हाय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल लाइन की बात की थी, उससे रिलेटेड जितने भी एंगल्स होते हैं हमने उसकी बात की थी। तो एक बार मैं थोड़ा सा क्विक रिविजन करता हूँ कि हम लोगों ने क्या देखा था, तो आप लोग को एक जनरल आइडिया क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था बेटा, दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो मान लो ये लाइन L है, ये M है और यहाँ एक लाइन है N, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने ये देखा था कि इसमें जितने भी एंगल्स होते हैं क्या होते हैं। मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, दैट इज 5 6 7 8। तो हम लोगों ने देखा था कि कुछ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, 1 5 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 6 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 4 8 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 3 7 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये पैरेलल लाइन के बीच में है तो बेटा इनकी वैल्यूज इक्वल होती है। तो हम लोगों ने इनको देखा। दूसरा, हम लोगों ने बात की थी इंटीरियर अल्टरनेट की। तो इंटीरियर अल्टरनेट यानी कि दो पैरेलल लाइंस के इनर साइड में, यानी कि 4 इंटीरियर अल्टरनेट क्या होता है, 4 और 6 जिनकी वैल्यू इक्वल होती है, 3 एंड 5 जिनकी वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी बेटा एक्सटीरियर अल्टरनेट, यानी कि 1 एंड 7 वैल्यूज इक्वल, 8 एंड 2 दैट इज वैल्यूज इक्वल, दैट इज एक्सटीरियर अल्टरनेट। फिर हम लोगों ने बात की थी बेटा सेम साइड ऑफ एंगल की, यानी कि ट्रांसवर्सल के इंटीरियर में। पहले तो इंटीरियर एंगल है वो भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। तो हम लोगों ने किसकी बात की थी बेटा, देखिए हम लोगों ने कहा था कि जैसे एंगल 4 एंड एंगल 5 इनका सम जो होगा बेटा वो 180 के इक्वल होगा, सेम एज एंगल 3 एंड एंगल 6 इनका भी सम 180 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, ओके बेटा। तो इतने टाइप के एंगल के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं। तो अगर हमें ये चेक करना है, चेकिंग फॉर द पैरेलल लाइंस, तो अगर हमें चेक करना है कि लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं है, तो हम इनमें से गिवन कंडीशंस को फॉलो करेंगे। पहले हम देख लेंगे कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल है कि नहीं है। अगर आपको इंटीरियर अल्टरनेट की नॉलेज नहीं है, आप करेस्पॉन्डिंग एंगल देखिए इक्वल है कि नहीं है। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का परफेक्टली नहीं नॉट गिवन है, तो आप उसके ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम देखिए, क्या वो 180 के इक्वल है कि नहीं है। तो आप इनमें से कुछ भी करके पता कर सकते हैं कि इज द गिवन लाइन इज पैरेलल और नॉट, ओके बेटा। तो हम लोग इसमें का फॉलो करते हैं और देखते हैं कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है। अब देखिएगा यहां फिगर, आपको देखिएगा ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, गिवन है। अब है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस एंगल को और इस एंगल को जब मेजर करेंगे तो ये दोनों लाइन के इंटर आएगा, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट आएगा। तो अगर इनकी वैल्यूज इक्वल आ रही है, देन गिवन लाइन इज पैरेलल टू द अदर, ओके। आइए आगे चलते हैं। अब जैसे ये लाइन P और L क्या पैरेलल हैं, तो देख चेक करते हैं। हमने चेक किया एंगल 1 और एंगल 2 को, तो दैट इज एंगल 1 इज 90 डिग्री, जो कि ये 90 डिग्री का साइन ही होता है, ये भी 90 डिग्री, और इन दोनों का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो इंटीरियर एंगल है उसका सम 180 आ रहा है, दैट इज द पैरेलल, ओके। आगे देखते हैं। अब हमसे कह रहा है एक बार देखते हैं कि L जो है वो M के पैरेलल है तो क्यों है, क्या L M के पैरेलल है। पहले तो है लेकिन क्यों है, यहाँ पे गिवन है। तो देखिएगा अगर मैं दोनों लाइंस को देखता हूं, तो यहां पर 50 डिग्री का एंगल है और यहां पर भी 50 डिग्री का एंगल है बेटा। इसका मतलब ये इंटीरियर अल्टरनेट है और ये इक्वल है वैल्यूज में, इसलिए इनका सम इनकी वैल्यूज अगर इक्वल है तो लाइन L इज इक्वल टू द लाइन लाइन L इज पैरेलल टू द लाइन M बिकॉज द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ओके। नाउ नेक्स्ट, L और M पैरेलल हैं तो Y, लेकिन यहां पर देखो यहां 50 दिया है और यहां इस एंगल, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन रिलेशन तो होता नहीं है। तो जब नहीं होता है तो हम लोग फाइंड करेंगे। देखिएगा बेटा अगर ये 130 डिग्री का एंगल है तो इसके बगल वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, यानी कि ये टोटल एंगल अगर मैं निकालूंगा यहां पर, ये टोटल एंगल दैट इज 180, क्योंकि ये एक सिंगल लाइन पर है, लीनियर पेयर है। तो अगर ये 130 है तो सिर्फ इतना एंगल कितना होगा, तो 180 में से 130 को सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट इज बिकम 50, मेरे पास आ गया 50। अब मैं देखूंगा इन दोनों एंगल्स को, अब मुझे मिल गया इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट को कंपेयर करते हैं। सो दिस एंगल इज इक्वल टू द गिवन, दिस एंगल इंटीरियर अल्टरनेट इक्वल है, सो
सो देन इट मींस एल इज पैरेलल टू एम, इसलिए एल जो है वो एम के पैरेलल है। यहां पे कह रहा है इफ एल इज पैरेलल टू एम देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यहां पे गिवन है कि ये दोनों पैरेलल हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो हम देख रहे हैं कि ये इंटीरियर में ट्रांसवर्सल के सेम साइड के दोनों एंगल हैं, दैट इज 70 दैट इज 80, इन दोनों का सम कितना आता है बेटा 180 आता है। तो मैं x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कर दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 110 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 110 डिग्री। इस तरीके से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, आइए एक्सरसाइज देख लेते हैं एक बार। एक्सरसाइज में कह रहा है स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ ए पैरेलल बी, ए लाइन बी के पैरेलल है एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है तो बेटा ये कौन से एंगल होते हैं बेटा करेस्पोंडिंग एंगल्स। कैसे एंगल होते हैं करेस्पोंडिंग। सेकंड इफ 4 इज इक्वल टू 6, तो देख रहे हैं 4 यहां है 6 यहां है, दोनों इनर साइड में है, दैट इज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180, तो 4 प्लस 5 अगर 180 है और ये पैरेलल है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इसको हम लोग कहेंगे इंटीरियर इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल की। ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम क्या होता है को इंटीरियर, इसको एक तरीके से हम लोग को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ओके, नेक्स्ट इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ करेस्पोंडिंग एंगल्स, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन हो गए, तो आइए देखते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, मुझे पेयर बनाना है तो मुझे इस तरीके से लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो आप लिखेंगे एंगल 4 कॉमा एंगल 8 पहला पेयर, दूसरा पेयर क्या बनेगा बेटा एंगल 3 एंड एंगल 7 ये पेयर बना, तीसरा क्या बनेगा बेटा एंगल 1 कॉमा एंगल 5, फिर इसके बाद बनेगा बेटा एंगल 2 कॉमा एंगल 6, ये पेयर बन गए करेस्पॉन्डिंग के। ठीक है बेटा, सेकंड पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 3 को पेयर बनाओगे 5 से और 2 को पेयर बनाओगे 8 से। ओके, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो यानी कि 3 एंड 8 2 एंड 5। ओके, द वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल लेंगे 1 को 3 से, 4 को 2 से, 5 को 7 से और 8 को 6 से, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। नेक्स्ट इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स, ये सारे अननोन एंगल आइए फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे फाइंड होंगे देखते हैं, हमको यहां पर गिवन बेटा दैट इज 125 डिग्री, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि P लाइन इज अ स्ट्रेट, इसके बगल में है बेटा E, तो अगर E है तो ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का बनेगा बेटा 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, और ये 125 है तो एंगल E की वैल्यू कितनी आ गई, तो E प्लस 125 इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 180 कॉज ऑफ लीनियर पेयर, तो एंगल E की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 180 माइनस 125, तो जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 155 डिग्री, कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 55 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 तो ये है दैट इज 55 डिग्री आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो 55 डिग्री से ये हमारा काम हो गया। अच्छा, अब E के इक्विवेलेंट है F, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, तो F भी कितना आ गया बेटा 55 डिग्री कॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ E। अगर E की वैल्यू पता है तो तुम्हें A की भी वैल्यू पता चल जाएगी। H टाइप के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा करेस्पोंडिंग। ठीक है, तो A की वैल्यू भी 55 आ गई, क्यों आ गई, इट इज करेस्पोंडिंग टू E। ओके, अगर A पता चल गया तो हमको C पता चल जाएगा, C इज ऑल्सो इक्वल टू 55, क्यों, क्योंकि A का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमको D पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि D इज इक्वल टू 125 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, D इज इक्वल टू 125 क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है बेटा, हमको D पता चल गया।
अगर हमको डी पता चल गया तो हमको बी भी पता चल जाएगा, बी वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बी इज इक्वल टू 125 वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ डी। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा, बहुत टफ नहीं होता है, केवल आपको एक से दो बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है बेटा। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेट होके थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लाइंस एंड एंगल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट इन केस अगर आपको कोई डाउट्स या कोई प्रॉब्लम जनरेट भी होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा एक और लेक्चर लेके आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एल पैरेलल एम। तो x निकालना बेटा, अगर ये 110 आ गया तो मैं इसके बगल वाले एंगल को निकालता हूं विच इज लीनियर पेयर, दैट इज 70 डिग्री आएगा। अब कैसे आएगा ये आपको पता होना चाहिए, आप ट्राई करेंगे प्रॉपर तरीके से। अगर ये 70 आ गया तो ये x है, तो कौन से एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बेटा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। यहां पर एल और एम के पैरेलल होने की बात किया, एक्स निकालना है, तो अगर ये 100 है और ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एक्स है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। दैट्स इनफ, बस एक्स निकालना था मुझे, इस 80 से कोई मतलब ही नहीं रहा, दैट इज एक्स यानी कि 100 करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। गुड, इन द गिवन फिगर आर्म्स ऑफ द टू एंगल्स आर पैरेलल। यहां पर ये जितने आर्म्स है यानी कि बीसी लाइन एएफ के पैरेलल है और एबी लाइन डीई के पैरेलल है। तो कह रहा है एबीसी अगर 70, अगर ये 70 है तो डीजीसी यानी कि डी जी सी ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये लाइन एज ए ट्रांसवर्सल बिहेव करेगी, तो अगर ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 70। कैसे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। वेरी गुड, डीईएफ ये एंगल कितना होगा बेटा, तो अगर ये वैल्यू आ चुकी है तो इसके रिस्पेक्ट में ये करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, दैट इज 70। दैट्स गुड, नेक्स्ट इन द गिवन फिगर डिसाइड वेदर द एल इज पैरेलल टू एम, क्या एल एम के पैरेलल है कि नहीं है ये बताना है। देखना बेटा, यहां पर 120 दिया, यहां पर 44 दिया, तो मैं 120 इन दोनों को ऐड करता हूं, 126 प्लस 44 विच इज गिवन टू 0 6 एंड 17 एंड दैट इज 1, तो कितना आ रहा बेटा 170 आ रहा है। कितना आ रहा बेटा, दैट इज 170, 180 आता तो ये दोनों पैरेलल होते, तो ये पैरेलल नहीं है, रीजन आपके सामने है, बिकॉज द को इंटीरियर एंगल का सम 180 नहीं है। यहां देखते हैं ये 75 है, ये 75 है, तो इन दोनों एंगल का कोई वैल्यू नहीं निकलता, ऐसे हम तो इन दोनों एंगल की कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कि इसके बगल वाला एंगल या इसका अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट कितना आ रहा है बेटा, वर्टिकली अपोजिट भी 75 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 75 प्लस 75 इज बिकम 150, तो इन दोनों के को इंटीरियर एंगल का सम भी 150 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 180 है, तो ये भी पैरेलल नहीं है। इसको चेक करते हैं बेटा, दैट इज 123, दैट इज 53, इसका वर्टिकली अपोजिट ले लेते हैं, दैट इज 57। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 123 प्लस 57 कितना आ गया बेटा, दैट इज 10 एंड दैट इज 8, दैट इज 1, दैट इज 180। तो ये 180 आ रहा है, यानी कि ये पैरेलल है, दैट इज पैरेलल। आप किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं बेटा, ये तो मैं 180 वाला फाइंड कर रहा हूं, आप किसी भी तरीके, आप करेस्पॉन्डिंग को इक्वल करके फाइंड कर सकते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट को इक्वल करके फाइंड कर सकते हैं, या कोई इंटीरियर का सम 180 के इक्वल करके आप फाइंड कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट, कंडीशन ऐसी फिक्स नहीं है कि आप 180 का ही रूल लगाएं। यहां चेक करते हैं बेटा, दैट इज 92, दैट इज 72, इसका वर्टिकली अपोजिट ले लेता हूं, दैट इज 72। अब इन दोनों को ऐड करता हूं, देखते हैं क्या 180 आएगा, तो दैट इज 92 प्लस 72, दैट इज बिकम 170। नो, ये भी परफेक्ट, ये भी नहीं आ रहा 180, यानी कि ये भी पैरेलल नहीं होगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम लोग लाइंस एंड एंगल में डिस्कशन करते हैं बेटा। अब देखिएगा, ये चैप्टर जो होता है बेटा हमारा लगभग यहीं पे एंड हो जाता है। अब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सेल्फ ट्राई करने हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ओके बेटा, तो आज के लेक्चर में ये चैप्टर एंड होता है, बाकी की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी होगी। ओके बेटा, तब तक पढ़ाई करिए, मन लगाइए, बाय बाय।